नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रगतिशील किसान MP में। मैं आपका किसान मित्र बलराम बैरागी। आज हम चर्चा करेंगे लहसुन की फसल में जलेबी रोग किस कारण से आता है, उसके लिए हमें कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें किसान साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो किसान साथियों, मैं आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि लहसुन की फसल में जलेबी रोग क्यों आता है। तो किसान साथियों, यह एक बीज जनित रोग है। यह समस्या हमें उन्हीं प्लाटों में देखने को मिलती है जिन किसान साथियों ने अपना बीज 8 से 10 दिन पहले तैयार कर लेते हैं। तो जी हाँ किसान साथियों, आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि हमें जिस दिन चुपाई करनी है उसके 1 या 2 रोज पहले ही अपने को बीज तैयार करना है। अगर आप 10 या 15 दिन पहले बीज तैयार करते हो तो आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है किसान साथियों। दूसरी बात, हमें अपनी ज़मीन में हद से ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करना है किसान साथियों। हमें एक सीमित मात्रा में नाइट्रोजन का यूज़ करना चाहिए। अगर आप नाइट्रोजन में आप देखा जाए तो अगर आप यूरिया लेते हो तो यूरिया आपको 10 से 15 किलो प्रति एकड़ उसी हिसाब से लेना है। अगर उससे आप ज़्यादा लेते हो तो भी आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो किसान साथियों, अब आगे बढ़ते हैं, हमें किन किन दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान साथियों, अगर यह समस्या आपको आपके प्लाट में देखने को मिलती है तो आप इसके निराकरण के लिए सबसे पहले धानुका कंपनी का कोनिका आता है जिसमें कापर प्लस कासुबामाइसिन आता है किसान साथियों, वह आपको 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। उसके साथ किसान साथियों, आपको टाटा कंपनी का एक नगाटा आता है जिसमें इथियन प्लस साइपर आता है किसान साथियों, 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वो भी लेना है। इसके साथ किसान साथियों, अगर आपको कहीं थ्रिप्स का अटैक दिखता है तो आपका प्रोफेनोसाइपर वो भी ले सकते हो किसान साथियों इसके साथ आप में, या फिर आप नगाटा ले ही रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी ले सकते हो। तीसरे नंबर पे किसान साथियों, आपको सिजेंटा कंपनी का क्वांटिस आता है किसान साथियों, 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपका, उसे भी आप ले सकते हो, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में किसान साथियों, आपको यारा कंपनी का स्टोपिट के नाम से आता है कैल्शियम ऑक्साइड किसान साथियों, 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यारा का स्टोपिट भी इसके साथ इस्तेमाल करना है। अगर किसान साथियों आप देख रहे हो कहीं आपके पौधे छोटे हैं कहीं बड़े हैं या आपके पौधे की एक सही वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको फर्टिस कंपनी का 11-44-11 जिसमें NPK प्लस मैग्नीशियम आता है किसान साथियों, आप यह भी ले सकते हैं। उसके साथ इन सभी दवाइयों का घोल बनाकर 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। जी हाँ किसान साथियों, 200 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। अगर 200 लीटर पानी से अगर आप कम लेते हो तो आपका सही से स्प्रे नहीं हो पाएगा और आपको सही रिजल्ट नहीं मिलता है किसान साथियों। बहुत बार देखा जाता है किसान बोलते हैं कि साहब मैंने 3 टंकी 4 टंकी 2 बीघे में डाला है, हमारा सही रिजल्ट नहीं आया है। तो किसान साथियों, आपको विशेष बात का ध्यान रखना है, आपको कम से कम 1 बीघे में आपको 4 पंप यानी कि 25-25 लीटर के 4 पंप 100 लीटर प्रति बीघा के हिसाब से आपको पानी लेना है। उसके साथ किसान साथियों, सिलिकॉन बेस का चिपको, लहसुन और प्याज की एक ऐसी फसल है किसान साथियों जिसकी पत्ती एकदम खड़ी रहती है, अगर आप उसमें सिलिकॉन बेस का चिपको नहीं ले पाते हो तो आपकी दवाई सही से काम नहीं करती है। तो किसान साथियों, उसके साथ आपको एक सिलिकॉन बेस का चिपको भी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे द्वारा जो जानकारी बताई गई है, अगर इन दवाइयों का आप इस्तेमाल करते हो, आपको इसका कैसा रिजल्ट मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और भी अगर आप जाते हो और कोई समस्या आपको खेत पर देखने को मिलती है वो भी बताइए किसान साथियों कमेंट बॉक्स में। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जवान जय किसान।